देखिए दोस्तों, विद्यालय, विद्यालय का जो संधि विच्छेद था वो विद्याधन आलय, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि सर्वप्रथम इसमें क्या कहा गया है, सर्वप्रथम इसमें कहा गया है ईशः विद्यालयः, यानी कि ये क्या है, विद्यालय है, ठीक है दोस्तों, है ना। यश विद्यालय, यह ए विद्यालय है, ठीक है ना। इसके बाद अत्र छात्रा शिक्षका, यहाँ पर छात्र और शिक्षक है, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि शिक्षका का मतलब शिक्षक और शिक्षिकाएं दोनों ही है, ठीक है ना। इसके बाद में शिक्षिका च संति, यानी कि यहाँ पर शिक्षक और शिक्षिका जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ तक तो इसका हो गया मतलब, यह हमारा विद्यालय है, यहाँ पर छात्रा और शिक्षक बैठे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अपन देखते हैं देखिए, एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला, एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति। यानी कि यह क्या है दोस्तों, ये क्या है, यह संगणक यंत्र, संगणक का मतलब होता है कंप्यूटर, संगणक का मतलब क्या होता है दोस्तों, कंप्यूटर। कंप्यूटर, ठीक है ना। तो और प्रयोगशाला, यानी कि जिसमें कंप्यूटरों का जो क्या है, मतलब कंप्यूटर रखे हुए हैं, वो कंप्यूटर संगणक यानी कंप्यूटर की प्रयोगशाला है, ठीक है। ये तानि संगणक यंत्राणि सन्ति, यहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर जो हैं, कंप्यूटर के जो यंत्र हैं वो क्या है, रखे हुए हैं, यहाँ पर बहुत सारे हमारे कंप्यूटर रखे हुए हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसके आगे अपन देखते हैं, एतत् यानी कि यहाँ पर इस जो अपना जो पैराग्राफ है इसमें क्या बता रहा है, उद्यान के बारे में बता रहा है, उद्यान के बारे में बता रहा है कि एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति, यानी कि यह हमारे विद्यालय का क्या है, उद्यान है, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद में उद्याने पुष्पाणि सन्ति, उद्याने पुष्पाणि सन्ति, तो उद्यान में क्या है, उद्यान में बहुत फूल या पुष्प जो है, भांति भांति के पुष्प उसमें लगे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कि पुष्पाणि का अर्थ होता है फूल, फूल है ना, और उद्यान का मतलब होता है बगीचा, बगीचा या खेल का मैदान, ठीक है ना, यानी कि पार्क भी अपन इसको कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में वयम् अत्र क्रीडामः पठामः च, हम सब यानी कि हम सब वहां पर विद्यालय में पढ़ते भी हैं और खेलते भी हैं, है ना, और अन्य क्रियाएं भी वहां पर हम करते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कि क्रीडाम यानी खेलना, 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 ठीक है दोस्तों। पठाम यानी पढ़ना, पढ़ना, ठीक है ना, और बयाम यानी हम सब, हम सब, यानी कि हम सब हमारे विद्यालय में पढ़ते भी हैं और खेलते भी हैं, ठीक है दोस्तों। इसके आगे अपन चलते हैं, देखिए इसमें ये जो हमारा जो पैराग्राफ है इसमें क्या बता रहा है कि इसमें दो जो मित्र हैं वो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, ठीक है ना, कि ये क्या कह रहा है, रिचा, ये जो लड़की है उसका नाम क्या है, रिचा है, और लड़का जो है उसका नाम क्या है, प्रवण है, ठीक है ना।
प्रणाम, ठीक है। तो ऋचा क्या कह रही है, तब नाम किम, यानी कि प्रबण से ऋचा पूछ रही है कि तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद में देखिए प्रबण क्या कहता है, प्रबणः, मम नाम प्रबणः, तब नाम किम, यानी कि मेरा नाम तो क्या है, प्रबण है, और तुम्हारा नाम क्या है। उससे ऋचा से प्रबण पूछ रहा है कि मेरा नाम तो प्रणव है और तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। फिर ऋचा क्या कहती है, मम नाम ऋचा, तुम कुत्र पठसी, मेरा नाम ऋचा है, तुम कहां पर पढ़ते हो, ठीक है दोस्तों। यहां तक आ गया, प्रवण प्रणव अहम अत्र एव पठामि, मैं यहीं पर पढ़ता हूं, मैं यहीं पर पढ़ता हूं, यानी कि उसने पहले ऋचा ने प्रवण का नाम पूछ लिया यहां पर, फिर उसके बाद में उससे क्या कह रही है कि तुम कहां पढ़ते हो, ठीक है। तो प्रवण क्या कह रहा है कि मैं यहीं पर पढ़ता हूं, ठीक है ना। ऋचा अहम अपि अत्र एव पठामि, मैं भी यहीं पर पढ़ती हूँ, मैं भी यहीं पर पढ़ती हूँ। इदानीम आबा मित्रे स्व, इदानीम का मतलब हम दोनों, आब हम दोनों अब से क्या हो गए, मित्र हो गए, ठीक है ना दोस्तों। हम दोनों अब से क्या हो गए, यानी कि आज से हम दोनों क्या हो गए दोस्तों, मित्र हो गए, ठीक है ना। इदानीम का मतलब हम दोनों, हम दोनों, ठीक है ना। और आवा का मतलब अब, आवा का मतलब क्या हो गया दोस्तों, अब, है ना, मित्र, यानी कि हम दोनों क्या हो गए, मित्र बन गए आज से, ठीक है ना। मित्रम का मतलब होता है मित्र, ठीक है ना। तो हमने इस जो अपना पैराग्राफ था इसमें क्या देखा कि यहां पर ऋचा प्रवण दोनों वार्तालाप कर रहे हैं और वो आपस में एक दूसरे की मतलब जो है परिचर्चा कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में जान रहे हैं, और वो दोनों आपस में क्या हो गया, मित्र आपस में बन जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं, देखिए इसमें क्या बताया गया है कि शिक्षिका जो है, आचार्य जो है, आचार्य या महोदया जो है, वो क्या कर रही है, वो बच्चों से वार्तालाप कर रही है, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं, आइए, शिक्षिका छात्रा युवं की कृत, यानी कि शिक्षिका कह रही है कि छात्रों तुम सब क्या कर रहे हो, ठीक है ना। युवं का मतलब होता है तुम सब, तुम सब, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि छात्रों तुम सब क्या कर रहे हो, ये कौन कह रहा है, ये शिक्षिका छात्रों से पूछ रही है, ठीक है ना दोस्तों। तुम सब, ठीक है ना, पुरुत्व का मतलब क्या कर रहे हो, कर रहे हो, ठीक है ना। छात्रा दूसरा क्या है, छात्रा, छात्रा आचार्य वयम गच्छामः, छात्र कह रहे हैं कि आचार्य महोदया हम वहां पर गए थे, ठीक है ना। गच्छामः का मतलब होता है जाना, ठीक है ना, जाना, ठीक है ना। शिक्षिका, शिक्षिका क्या कह रही है, युवं कुत्र गच्छतः, यानी कि तुम कहां पर, कुत्र यानी कहां, कुत्र यानी क्या होता है दोस्तों, कहां, यानी कि तुम कहां पर गए थे, तुम सब कहां पर गए थे, ठीक है ना। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि छात्रा क्या कह रहे हैं, छात्रा वयम सभागारम गच्छामः, यानी कि हम सब, वयम का मतलब होता है हम सब कहां गए थे, सभागार में गए थे, रक्षा का मतलब होता है जाना,
ठीक है ना। सभागार का मतलब होता है जहां पर सभा, मतलब सभा का जो स्थल होता है वहां, जहां पर नेत्र गीत आदि जितने मतलब जो भी क्रिया प्रतिक्रिया की जाती है वो उसको क्या कहते हैं, हम सभागार कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में शिक्षिका, युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति, है नहीं, शिक्षिका कह रही है कि तुम्हारी पुस्तकें कहाँ हैं, तुम्हारी पुस्तकें कहाँ पर हैं, कौन कह रही है, यानी कि जो अध्यापिका है, जो शिक्षिका है वो बच्चों से पूछ रही है। छात्रा, छात्रा अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति, यानी कि हमारी पुस्तक यहीं पर है, हम सब लोगों की पुस्तक यहीं पर है, ठीक है ना दोस्तों। ये हमारा इसमें हो गया छात्रों और शिक्षिका के वार्तालाप, कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी पुस्तक कहाँ पर है, है ना, वो कहाँ पर गए थे और उन्होंने मतलब कहाँ पर क्या सीखा था, ठीक है ना दोस्तों। ये हमारा इस पैराग्राफ का अर्थ हो गया। इसके बाद में अपन अगले की ओर चलते हैं। देखिए इसमें क्या है, शिक्षक और छात्रों के बीच में वार्तालाप हो रही है, ठीक है ना दोस्तों। इसमें शिक्षक और छात्रों के बीच क्या हो रही है, वार्तालाप हो रही है, ठीक है। देखिए तो इसमें शिक्षक क्या कहता है, शिक्षक छात्रो युवाम किं कुरुतः, छात्रो तुम सब क्या कर रहे हो, ठीक है ना। छात्रो ये कह रहे हैं इनसे कि छात्रो तुम सब क्या कर रहे हो, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद अपन देखते हैं छात्र क्या कह रहे हैं, आचार्य आवाम श्लोकम गायावः, यानी कि आचार्य हम इस श्लोक को गा रहे हैं। गाया का मतलब क्या होता है, गाना या गायन करना। गायन करना, ठीक है ना, गायन, गायन करना, ठीक है ना दोस्तों। गावाना का मतलब होता है गायन करना, ठीक है। शिक्षक शोभनम, शिक्षक क्या कह रहा है, शोभनम यानी कि बहुत, शोभनम का मतलब होता है अच्छा, अच्छा। शोभनम कि युवाम श्लोकम न लिखत, यानी कि बहुत अच्छा, क्या तुम सब लोग जो है वो इस श्लोक को लिखते नहीं हो। लिखत का मतलब होता है लिखना, लिखना, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि इसमें अध्यापक जो है वो छात्रों से पूछ रहा है कि क्या तुम इस श्लोक को लिखते नहीं हो, ठीक है। इसके बाद में छात्र क्या कहते हैं, आवाम लिखावह पठावह गायावह चित्राणि अपि रचयावह, यानी कि छात्र कह रहे हैं कि हम लिखते भी हैं, हम सब पढ़ते भी हैं, हम सब गाते भी हैं और हम सब चित्राणि अपि रचयावह, यानी कि हम सब क्या करते हैं दोस्तों कि चित्रों को चित्र भी मतलब रचते हैं या चित्रण कार्य भी करते हैं। रचयावह का मतलब होता है रचना करना, चित्राणी का मतलब होता है चित्र और रचयावह का मतलब रचना करना, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, चित्रों की भी रचना करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। मतलब हम पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं और गाते भी हैं और चित्रों की रचना भी करते हैं। शिक्षक क्या कहता है, बहु शोभनम यानी कि बहुत सुंदर, यानी कि चित्र जो शिक्षक जो है वो उनको बहुत अच्छा कह करके और छात्रों का मनोबल बढ़ाता है। इसलिए दोस्तों आज का जो हमारे पंचम पाठ का कक्षा छह की रुचिका भाग एक का जिसको हमने जाना है, इसमें
विद्यालय में जो वार्तालाप होते हैं शिक्षक शिक्षिका ने छात्राओं से की और शिक्षक ने छात्राओं से पूछा कि क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, मतलब विद्यालय में क्या क्या चीज होती है, उद्यान, सभागार, इन सभी हमने जानकारियों को आज की कक्षा में किया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।